अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से पार्ट टू लेके आया हूँ अमर भाई की एक क्लिप का। तो जहाँ पे हमारे गैर मुस्लिम भाई मदरसे के बारे में बात करते हैं, और ये पहले सुन लेते हैं उनका क्या कहना है मदरसे के बारे में, उसके बाद मदरसे की तालीम को लेके, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वो सेम मदरसा एजुकेशन अगर उस साइड चले जाती ना, नहीं पढ़ाएं आप उर्दू, जो अरबी पढ़ाना है वो पढ़ाइए, सारे दीन। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मगर राहुल भाई आपको मजे की बात बताऊं, 13th, 12th, 13th और 14th सेंचुरी के अंदर जब क्रूसेड्स हारने शुरू हुए यूरोप में, जो चर्च है, तो उन्होंने स्टडी किया कि मुसलमानों की फतह की वजह क्या है। एक तो तौहीद थी जिनको उन्होंने देखा, और डिसिप्लिन है, यानी अमीर की इताअत करते हैं, इकट्ठ है। और दूसरी चीज जो उन्होंने देखी वो ये थी कि ये मॉडर्न जो आपके सोशल साइंसेज हैं, ठीक है, मॉडर्न साइंसेज हैं, इनके ऊपर ही अपने आप को अपडेट रखते हैं। और वो कहाँ से रखते हैं? उन मदारिस से। उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा उनको अकेडमीज, फर्स्ट टाइम मदारिस का नाम जो था वो अकेडमीज का नाम दिया गया था। उनको अकेडमीज इसलिए कहते थे कि वहाँ ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी, वहाँ पर आपका मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी, आपकी जनाब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, और दूसरे तीसरे उलूम भी पढ़ाए जाते थे। इल्म यानी फलसफा, मंतिक और बलागा, नहव और सरफ, इन सब के साथ पढ़ाए जाते थे। वो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें दूर हुई और प्रोफेशन को फोकस करके सिलेबस बनाया गया। मगर अभी भी कई मदारिस ऐसे हैं, अभी भी कई ऑनलाइन हैं, मिसाल के तौर पर मुफ्ती यासर वाइदी साहब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी काम इस पे हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो कंसर्न है ये जेन्युइन है, होना चाहिए था मगर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, मगर ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि जो फिरका वारियत अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ फैला है, शिद्दत इख्तियार किया है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। यानी ये ऐसे ही है राहुल शर्मा भाई कि आपकी उंगली में दाना निकल आया है या आपकी टांग पे कोई जख्म लग गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप टांग काटो तब तक आप चलोगे नहीं, नहीं, आप उस जख्म का इलाज करोगे। फिरका वारियत हो या मदारिस का सिलेबस हो, अनफॉर्चुनेटली ये वो जख्म है जिनसे रिस रहा है खून, इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत लगती है। हमें चाहिए कि जिस तरह राहुल शर्मा देख रहा है मदारिस को या फिरका वारियत के इस पटे हुए समाज को देखकर वो कहता है कि नहीं, इनमें कट होना चाहिए, तो व्हाई नॉट यू जस्ट जॉइन अस, हमें हमारे काम को उसमें सपोर्ट करें, मुसलमानों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अब आप जैसे ब्रेन, जो आप जैसे लोग हैं, वो बाहर बैठकर सिर्फ इसलिए कबूल नहीं कर रहे इस आइडियोलॉजी को, बाकी सब उनको आउटर लुक समझ आ रहा है कि वो कैसे रैशनल है, कैसे लॉजिकल है, तो आप जैसे लोग ही शामिल होकर तो इसलाह करेंगे ना। बिल्कुल, मैं भगवान की इच्छा होगी तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, अभी तो भगवान ही निकल रहा है। हाँ इंशाल्लाह, आप बोल मेरे प्यारे भाई, उनकी बात और मदरसे के जो हाफिज करके हाफिज इकराम निकलेंगे, क्योंकि तो अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा होता है, उनके सीने में कुरान होता है, तो अगर मदरसे में ये चीज़ भी आ जाए कि उनको हिस्ट्री पढ़ाई जाए, मतलब इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत एक बार काम होगा। तो अल्लाह करे ये हमारे मदरसे में बहुत सारे में है भी, बहुत सारे में और आना चाहिए रखें, तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तोहफ़ी किताब फरमाए, जो सुना इस पर हमें अल्लाह पाक काम करने की तोहफ़ी किताब फरमाए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल शेख को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।